स्क्रीन दिख रही है सबको? आरू यस सर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पीएन डायोड की बेसिक आपके पास बेसिक्स बताए थे, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर इफेक्ट, ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सब डिस्कस किया था। फाइनली हमने करंट की इक्वेशन क्या देखी थी इन केस ऑफ डायोड, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेश टू द पावर बी डी, डायोड वोल्टेज वी डी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन। नीटा वैल्यू भी डिस्कस की थी, नीटा की वैल्यू क्या थी, नीटा वैल्यू इज वन फॉर सिलिकॉन, फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, एंड नीटा वैल्यू इज टू फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और फाइनली हम जब भी हम आप क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं इन केस ऑफ डायोड। अब वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, जैसे अभी आप अगर आपको रियल करेक्टरिस्टिक्स याद हो, प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं ड्रॉ करूं डायोड की, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस टाइप से। दिस इज अ डायोड करंट आई एंड दिस इज अ वोल्टेज वी। तो फाइनली आपको किस टाइप से ड्रॉ होता है ये, रिवर्स बायस के केस में आपके पास इस टाइप से ड्रॉ होता है। दिस इज अ सपोज कट इन वोल्टेज, जिसको हम वी ऑफ सी से डिनोट कर रहे थे, या वी ऑफ, और वी ऑफ लैम्डा भी बोल सकते हैं आप, गामा, सॉरी वी ऑफ गामा से डिनोट भी कर सकते हैं। दिस इज अ कट इन वोल्टेज। फाइनली दिस इज अ सेचुरेशन करंट आई नॉट, एंड दिस इज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज वी बी आर। ठीक है, इस टाइप से हम करंट की डायोड की करेक्टरिस्टिक्स हमने प्लॉट की थी। ये आपका क्या था, फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स थी, और ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स। तो फाइनली ये हमने करेक्टरिस्टिक्स कल प्लॉट की थी, सब क्लियर कर लिया था, सारी टर्म्स हमारी क्लियर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्या है कि एग्जैक्टली हम एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, हम एग्जैक्ट ये करेक्टरिस्टिक्स यूज़ ना करके कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास तीन अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम चेक करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम कंसिडर करते हैं ना आइडियल डायोड। आइडियल डायोड मीन्स कोई भी आपके पास एक डायोड है, फाइनली अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस मीन्स पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को नेगेटिव से, इस टाइप से अगर फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डायोड क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो जाएगा, फाइनली कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास डायोड को क्या करेंगे आप, शॉर्ट कर देंगे। इन केस ऑफ बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, अगर मैं आइडियल डायोड की अप्रोक्सीमेशन की बात करता हूँ। तो फाइनली मैं डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायस मैंने कनेक्ट किया है, तो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम डायोड को नॉर्मली रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम शॉर्ट कर देंगे तो एक करंट फ्लो करेगी, तो इसलिए हमने फॉरवर्ड बायस में करेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट करी, वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, करंट इंक्रीज जाता होता जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर दी। फाइनली अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे एन आइडियल डायोड को, रिवर्स बायस मीन्स कि पी साइड को हम नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से, ये इस टाइप का अगर अरेंजमेंट हम कनेक्ट करेंगे, तो डायोड कैसे बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट। अगर कोई भी आपका डायोड, कोई भी सर्किट अगर आपके पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी, इट मीन्स करंट इज जीरो। दैट्स वाई रिवर्स बायस में आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या प्लॉट है, ये प्लॉट है।
हम आइडियली करेक्टरिस्टिक्स, हम आइडियल डायोड के केस में करेक्टरिस्टिक्स हम क्या प्लॉट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन हमने अज्यूम किया, ये करेक्टरिस्टिक्स हमने प्लॉट कर दिया आई वर्सेस बी का कर्व। और आपको प्रैक्टिकली आपके पास क्या करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने डिस्कस की थी, प्रैक्टिकली आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपको क्लियर हो गया कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसे शॉर्ट कर लेना है, और डायोड अगर रिवर्स बायस है तो उसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज फाइनली अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन फिर से देखें तो हमने क्या इस टाइप से प्लॉट किया था अभी, ठीक है। ये हमने क्या डिनोट की थी, पी ऑफ गामा, बेसिकली कट इन वोल्टेज। तो अब हम क्या करते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या यूज़ करते हैं कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन में सपोज सिलिकॉन अगर आपके पास डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, तो उसकी कट इन वोल्टेज कितनी होती है 0.7 वोल्ट, और आपके पास अगर जर्मेनियम डायोड है तो उसकी कट इन वोल्टेज क्या होती है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस सिंपल, अगर कोई भी आपके पास एक डायोड है, नॉर्मली एक डायोड है, अगर आप उसको, ये नॉर्मल डायोड है, अगर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपने उसे फॉरवर्ड बायस किया या आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो फाइनली फॉरवर्ड बायस करने के बाद आप किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे इस क्वांटिटी से, आपके पास कट इन वोल्टेज एंड आइडियल डायोड, और आइडियल डायोड आपको पता है फॉरवर्ड बायस के केस में क्या हो जाता है शॉर्ट, तो फाइनली कट इन वोल्टेज से आप रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए हमने फॉरवर्ड बायस में जैसे ही चेक किया, तो फॉरवर्ड बायस में चेक किया हमने कि क्या हो रहा है आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर। लेकिन अगर हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी कट इन वोल्टेज से लेस देन वोल्ट है, सपोज आपके पास एक सिलिकॉन, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन का, सपोज आपके पास एक सिलिकॉन डायोड है, ठीक है, सिलिकॉन डायोड है, आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन से आपको ट्राई करना है, तो इसकी कट इन वोल्टेज आपको पता है 0.7, ये हमने नोट करा दिया आपको, और जर्मेनियम के केस में क्या है 0.3, तो फाइनली क्या है 0.7, हम अज्यूम करके चल रहे हैं 0.7 कट इन वोल्टेज है। तो सपोज आप अब इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, अगर आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस आपने कर दिया, आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज लेस देन 0.7 तो करंट क्या फ्लो करेगा, जीरो। इफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 तो करंट क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो ये डिनोट कर रहा है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज लेस देन 0.7, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, ये वोल्टेज है वी एफ, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे वी एफ एक्सिस है, तो वी एफ को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, अगर 0.7 से है तो आपकी करंट क्या है यहाँ पर जीरो, और 0.7 से ऊपर आया तो यहाँ करंट क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो फाइनली सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या प्लॉट करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स इस टाइप से प्लॉट करते हैं इस टाइप से, तो कट इन वोल्टेज से अगर लेस देन वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो करंट क्या आएगा आपके, जीरो, और कट इन वोल्टेज से अगर हम ग्रेटर देन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो रैपिडली करंट इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से हम करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे स्विच करते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है अभी, नील? नील बेटा डाउट है कोई? हेलो हेलो, नो सर डाउट नहीं है। ओके नो सर, देखो फाइनली यहाँ पर अगर आप डिनोट करेंगे, यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने रिवर्स बायस किया, ये लिखा ना वी एफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन कट इन वोल्टेज, तो क्या हो रहा है आपके पास, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो रहा है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो फाइनली जीरो। तो आप इस सर्किट को कंप्लीट आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, तो अगर आपके पास हाई रेजिस्टेंस गिवन है तो हाई रेजिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे जनरली हम क्वेश्चन करते हो ये सॉल्व नहीं करते, लेकिन आपको ये नोन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इन द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ डायोड इट्स बल्क रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड। फाइनली क्या होता है, कोई भी आपके पास एक रेजिस्टेंस गिवन होगा,
डायोड का रेजिस्टेंस गिवन होगा और कट इन वोल्टेज अगर गिवन है, तो हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन अगर आपको बोला गया तो किस टाइप से अप्लाई करेंगे? जो भी आपके पास, सपोज आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस के केस में आपको क्लियर है कि आपने कोई भी डायोड है, आपको सपोज सिलिकॉन डायोड है तो सिलिकॉन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया, तो इस टाइप से आप फॉरवर्ड बायस करेंगे। पी टर्मिनल को आप पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एन टर्मिनल को नेगेटिव। दिस इज द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट। तो फॉरवर्ड बायस आपने किया तो इस टाइम आप ये नोटिस करेंगे, फॉरवर्ड बायस में आप किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे अपने डायोड को? कट इन वोल्टेज प्लस गिवन रेजिस्टेंस, बल्क रेजिस्टेंस। तो आपने आरबी से कनेक्ट किया और आइडियल डायोड क्या हो गया? ये शॉर्ट। सिमिलरली रिवर्स बायस के केस में आप इसको एज अ ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं, ओपन सर्किट कंप्लीट को ओपन सर्किट बोल सकते हैं, या ओपन सर्किट प्लस कट इन वोल्टेज। बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एक आइडियल डायोड कंसिडर हो गया। और आपको पता है आइडियल डायोड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस शॉर्ट हो जाता है, और इन केस ऑफ ओपन सर्किट आपको क्या हो जाता है, इन केस ऑफ रिवर्स बायस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप करेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो फाइनली आपने ये देखा कि फॉरवर्ड बायस के केस में आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। तो कट इन वोल्टेज से पहले, तो आप जितना भी कट इन वोल्टेज से पहले आप जितने भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा, ये ओपन सर्किट रहेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इस पॉइंट पे आगे करंट फ्लो करने लगेगी, लेकिन ये क्या होगा आपका इंक्लाइंड इन नेचर, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इंक्लाइंड इन नेचर रहेगा, तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स इस टाइप से प्लॉट हो गई। फाइनली इस टाइप से तो आपके पास तीन अप्रोक्सीमेशन हो गया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहे थे, अगर फॉरवर्ड बायस है तो आप शॉर्ट कर रहे थे नॉर्मली, और अगर रिवर्स बायस है तो ओपन कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या देखा, अगर फॉरवर्ड बायस है तो आप उसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर रहे थे वी ऑफ गामा, एंड अगर रिवर्स बायस है तो फिर से आप उसे ओपन कर रहे थे। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपने देखा, अगर फॉरवर्ड बायस है तो आप उसे कट इन वोल्टेज प्लस बल्क रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर आपका रिवर्स बायस है तो आप नॉर्मली से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों अप्रोक्सीमेशन क्लियर होने चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? किसी को कोई भी डाउट है? क्योंकि इसी अप्रोक्सीमेशन से बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आएगा, माइनर में भी आएगा और एग्जाम में भी जनरली आएगा। ठीक है, आरटीओ एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सपोज हम ट्राई करते हैं, जर्मेनियम डायोड कैरीज अ करंट ऑफ 1 mA एट रूम टेम्परेचर व्हेन अ फॉरवर्ड बायस, आपके पास वीएफ की वैल्यू क्या थी गिवन है, 0.15 वोल्ट सपोज गिवन है आपके पास। ठीक है, वोल्ट इज अप्लाइड, एस्टिमेट द रिवर्स सेचुरेशन करंट एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर कहीं भी आपके पास इसका डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन का आपके पास डिस्कशन नहीं हुआ है। तो फाइनली हम अप्रोक्सीमेशन लगा के आपके पास क्या गिवन है, डायोड करंट की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आपके पास रिवर्स सेचुरेशन करंट पूछा गया है, और अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वी टी की वैल्यू क्या होती है रूम टेम्परेचर पे आपके पास, 26 mV। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं करंट की इक्वेशन लगाता हूँ, आइडियल करंट जो प्रैक्टिकल करंट डायोड करंट की इक्वेशन होती है, वो होती है आपकी आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू द पावर डायोड वोल्टेज डिवाइड बाय नीटा वी टी माइनस वन, यही होता है। ठीक है, अब नीटा की वैल्यू आपको गिवन है, जर्मेनियम के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख सकते हैं, वी टी की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू आपको गिवन है, देन आई की वैल्यू भी आपको गिवन है, आई की वैल्यू 1 mA। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है, आई नॉट। तो फाइनली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आई नॉट नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉर्मल प्रैक्टिकल डायोड का, एक एग्जांपल देखा अभी, अप्रोक्सीमेशन का अभी हमने यूज़ नहीं किया, कि क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा अप्रोक्सीमेशन से आपको करना है, और नहीं गिवन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अप्रोक्सीमेशन का कोई मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, आई इक्वल टू 2 mA ये गिवन है आपके पास टोटल करंट। ठीक है, डायोड D1 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, D2 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, ये आपके दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हैं, पी टर्मिनल पॉजिटिव से एंड टर्मिनल नेगेटिव से। यहाँ पर कोई भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करी गई है, रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नॉट आई डी वन गिवन है, आई नॉट वन सॉरी और आई नॉट टू इन केस ऑफ डायोड टू के अकॉर्डिंग गिवन है, डायोड वन के अकॉर्डिंग गिवन है।
फाइनली अब हम चेक कर दें, आपके पूछा क्या गया है, वोल्टेज वी पूछा गया है। तो वोल्टेज वी पूछने के लिए मैंने आपको बोला था आपके पास केवीएल और केसीएल अगर आपको नोन है। फाइनली यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं। केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे, आई इक्वल टू आई डी वन प्लस आई डी टू, ये हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू आपके पास नोन है फाइनली, और नीटा की वैल्यू भी आपके पास वन के वन है फाइनली। आई की क्वेश्चन क्या होती है, आई डी की क्वेश्चन क्या होती है डायोड की, आई नॉट ई रेस्ट टू द पावर वी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन। ठीक है, अब मैं डायोड डी वन के अकॉर्डिंग करूंगा तो आई डी वन, आई डी वन ये है, इसके इक्वल रख दूंगा यहाँ पर। आई नॉट की वैल्यू मुझे गिवन है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ 12, ई रेस्ट टू द पावर वी कैलकुलेट करना है, नीटा वन गिवन है, वी टी की वैल्यू 26 मिली वोल्ट है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली मैंने इसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली मैं आई डी टू कैलकुलेट करूंगा, रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या गिवन है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 10, ई रेस्ट टू द पावर वी अपॉन 26 मिली वोल्ट, माइनस वन कर सकते हैं या वन को इग्नोर कर दे सकते हैं, बहुत माइनर सी क्वांटिटी। तो फाइनली ये आपके पास सिचुएशन आ गई, दोनों को ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में अननोन क्या रहेगा आपके पास वी, तो फाइनली आप वी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है डायोड का जो अगर बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में स्विच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्विच करते हैं, आपके पास गिवन है एक अरेंजमेंट गिवन है, ईच डायोड इज हैविंग लीनियराइज्ड वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड ऑफसेट वोल्टेज। तो यहाँ थर्ड अप्रोक्सीमेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थर्ड होगा यहाँ पर, कि आपके पास एक रेजिस्टेंस गिवन है और लीनियराइज वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। लीनियराइज वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी आपके पास, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से जो आई थी आपके पास लीनियराइज। ठीक है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन थी क्योंकि आपके पास आर गिवन है, तो दोनों डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस हैं, तो दोनों डायोड को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज मैं एक सर्किट फिर से अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ, रिप्लेस करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव 100 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, देन फाइनली वी डी वन को कैसे रिप्लेस करूँगा, कट इन वोल्टेज ऑफ डी वन डायोड एंड रेजिस्टेंस गिवन फॉर डी वन डायोड, इट्स वैल्यू डायोड डी वन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 0.2 एंड 20 ओम, एंड दिस रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम, फाइनली दिस इज 100 वोल्ट। एंड अगेन डी टू के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, कट इन वोल्टेज क्या गिवन है 0.6, डी टू केस में तो 0.6 ड्रॉ कर दिया थर्ड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस इज 15 ओम, फाइनली मैंने 15 ओम प्लॉट कर दिया, दिस इज 0.6 वोल्ट, दिस इज 10 किलो ओम एंड दिस इज 20 ओम, 15 ओम, 100 वोल्ट, 0.2 वोल्ट एंड 0.6 वोल्ट। तो फाइनली आपके पास एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गया, दिस इज अ करंट आई डी वन एंड दिस वन इज अ करंट आई डी टू, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। फाइनली क्वेश्चन क्या है आपके पास, डायोड कैलकुलेट द डायोड करंट, कैलकुलेट द डायोड करंट आई डी वन एंड आई डी टू। ठीक है, फाइनली आपको आई डी वन और आई डी टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप नॉर्मली आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, नेटवर्क थ्योरी का एक क्वेश्चन बन गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, केवीएल केसीएल अप्लाई करिए और आई डी वन और आई डी टू का क्वेश्चन कैलकुलेट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनली सिमिलरली आपको एक अरेंजमेंट गिवन है, अगेन 10 वोल्ट सिलिकॉन डायोड गिवन है, वीडी 0.5 किलो ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस 0.5 किलो ओम, रेजिस्टेंस इज बीआर। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी डी आई डी डायोड करंट एंड वी आर, ये तीनों क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ये आपको आंसर गिवन है एक्चुअली, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। तो
और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू तीनों क्वांटिटी की। तो आप दोनों की कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। कैसे करेंगे, आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, एज एन आइडियल डायोड की तरह बिहेव करते हैं सिलिकॉन डायोड को भी। तो सिलिकॉन डायोड के केस में फॉरवर्ड बायस है, तो क्या करेंगे, एज एन शॉर्ट सर्किट कर देंगे, देन रेजिस्टेंस इज 0.5, देन वोल्टेज इज 10। तो फाइनली हमने डायोड को क्या कर दिया, शॉर्ट 10 वोल्ट एंड 0.5 किलो ओम। अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1 देखूंगा तो शॉर्ट सर्किट है, तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या हो जाएगा, 0। सेकंड, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा करंट, तो यहाँ पर सिंपल फिर नेटवर्क थ्योरी का KCL KVL आप अप्लाई कर सकते हैं। ID कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, KVL अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू ID इंटू 0.5 किलो ओम। बेसिकली आपके पास 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, और किलो ओम 10^-3 हो जाएगा। तो फाइनली ID इज 20 mA, ID इज 20 mA। ठीक है, अब सिमिलरली आपको अगर कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस VR, VR कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस 0.5 किलो ओम, तो आपके पास सिंपल वही अरेंजमेंट बना था, आपने फॉरवर्ड बायस में था, इसे शॉर्ट कर दिया था डायोड को, देन रेजिस्टेंस बना दिया था, तो वोल्टेज अक्रॉस VR भी क्या हो जाएगा, आपके पास ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 10। तो फाइनली VR इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से इस सर्किट को सॉल्व किया। सिमिलरली हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन से भी सर्किट को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन से, फिर आप आई थिंक ट्राई कर लेना। सेकंड अप्रोक्सीमेशन से हम चेक करते हैं, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में मैंने क्या बोला था कि जो भी डायोड होगा वो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। तो इन केस ऑफ सिलिकॉन कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0.7। तो फाइनली हमने के जैसी फॉरवर्ड बायस है, ये आपको नोन है कि ये फॉरवर्ड बायस है, प्लस टर्मिनल P टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आपके पास फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0.7। एंड फाइनली यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस R, इट्स वैल्यू इज 0.5 किलो ओम, एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज VR, राइट। तो फाइनली आपके पास 10 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0.7 वोल्ट, राइट। एंड करंट ID कैसे कैलकुलेट करेंगे, KVL अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, KVL जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 10 10 -0.7 इक्वल टू ID इंटू R, 0.5 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 9.3 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10^-3 ID, तो 0.5 0.5 कैंसिल आउट, आ जाएगा 18.6 इंटू 10^-3 एम्पियर ID। तो फाइनली इस 10^-3 से की वजह से हम क्या ले सकते हैं, 18.6 mA। ठीक है, इट्स आंसर इज 18.6 mA। ठीक है, तो करंट ID भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको VR कैलकुलेट करना है, आप VR कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप VR कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो 10 -0.7 माइनस ऑफ VR इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। KVL हमने अप्लाई किया, अब करंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, देन VR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 10 -0.7 इज 9.3 वोल्ट। ठीक है, 9.3 वोल्ट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन? आरू, कर्नेल, कर्नेल बेटा क्लियर है ये? हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना अभी, ये इसके जस्ट ऊपर वाला,
किसके ऊपर वाला वाला ये वाला सर अभी प्रीवियसली वाला क्वेश्चन, हाँ ये सरी वाला, ये क्वेश्चन? हाँ ये बताओ यही, ये क्वेश्चन। हाँ नहीं सर नीचे वाला ही बोल रहा हूँ मैं, यस सर ये वाला। हाँ सर आपने इसमें वी आर निकालने के लिए सर इसमें केवीएल अप्लाई किया है हाँ सर, इसकी जगह अपन ने आईडी तो निकाल लिया सर। हाँ आईडी ये वाला आपका। अच्छा इस पोर्शन में आपने आईडी निकाल लिया। हाँ ये आईडी निकाल लिया। आईडी को सर इसको रेजिस्टेंस से हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर वो डायरेक्ट ही वी आर निकल जाएगा। डायरेक्ट वीआर निकल जाएगा। ठीक है वो यस मेथड सर, अप्लाई कर। वो तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस टाइप से आप कर सकते हो, वीआर इक्वल टू आईडी इनटू आर। यस ठीक है सर, तो आईडी आपके पास नोन है, आर आपके पास नोन है, तो वीआर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका मेथड, आपका आंसर सही आ जाना चाहिए। मेथड सही है ये भी। यस सर, यस सर, ओके सर। कर्नेल कर्नेल आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। क्लियर सर है? सही समझ में आया ये? ठीक सर, हाँ सर, है। और कौन एक्टिव है अभी? रजनीश। रजनीश बेटा यस सर, क्लियर है ये कंसेप्ट सब? आवाज नहीं आ रही बेटा। क्लियर है सर, ओके बेटा असाइनमेंट सब सबमिट करना है, मैंने सबको असाइनमेंट दिए हुए हैं। ठीक है यस सर, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं फिर हम क्लोज करते हैं। आप जितने भी इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप ये डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है तो आप क्वेश्चन अगर करेंगे तभी डाउट आएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम फिर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है आपके पास एक अरेंजमेंट गिवन है, एक सर्किट अरेंजमेंट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आई वी वन वी टू एंड वी नॉट, ये चेक करना पड़ेगा। वी वन वी टू एंड आई नॉट क्या, आई क्या है? आई इज अ करंट अक्रॉस डायोड, ये कैलकुलेट करना है। वी वन इज अ वोल्टेज अक्रॉस 4.7 किलो ओम एंड वी टू इज अ वोल्टेज अक्रॉस 2.2 किलो ओम एंड वी नॉट इज अ नोड वोल्टेज अक्रॉस दिस नोड। वी नॉट इज अ नोड वोल्टेज। तो फाइनली आपको तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको अगर आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से करेंगे हम? फाइनली सपोज आपको आई कैलकुलेट करना है तो जनरली हम अगर इसको आप किस अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। जैसे सपोज हम सिलिकॉन अगर गिवन होता है, कभी भी कोई भी डायोड आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम गिवन होता है तो जनरली हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन से यूज करते हैं। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम जनरली क्या करते हैं, एज एन आइडियल डायोड कंसिडर करते हैं, शॉर्ट और ओपन कर लेते हैं, ये एक अजम्पशन होती है। तो अब अगर हम यहाँ सिलिकॉन के बनाए तो हम इसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन से यूज़ करेंगे। बेसिकली जब अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इसे हम 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे, और ये डायोड अगर रिवर्स बायस होगा तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आपको किस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे हम इसको? जीरो से रिप्लेस कर देंगे अगर रिवर्स बायस होगा। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यही था आपके पास। तो सेम आप हमने क्या किया, हमने करंट की डायरेक्शन क्या एज्यूम करी आपके पास, पी टू एन। अगर हम पी टू करंट एन एज्यूम कर रहे हैं तो इट मीन्स करंट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो डायोड हमने फॉरवर्ड बायस एज्यूम किया। और अगर करंट की वैल्यू सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाती है तो जो हमारी अजम्पशन थी वो सही थी। तो अगर फॉरवर्ड बायस एज्यूम किया तो हमने, क्योंकि आप ये अजम्पशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो इस वोल्टेज इस नोड पर वोल्टेज पता है ना ही इस वोल्टेज नोड पर वोल्टेज पता है, क्योंकि ये दोनों नोड की वोल्टेज ही डिसाइड करेंगी कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है और या रिवर्स बायस है। तो फाइनली अभी मैंने फॉरवर्ड बायस एज्यूम कर लिया, तो फॉरवर्ड बायस एज्यूम कर लिया तो हमने यहाँ पर इसको कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट। देन रेजिस्टेंस -5 वोल्ट आपको गिवन है, देन 2.2 किलो ओम गिवन है, देन दिस इज़ अ वी नॉट एंड वी टू, ये सर्किट आपको गिवन है, ये 10 वोल्ट आपको गिवन है। तो अगर आपके पास इस टाइप का अरेंजमेंट है तो ये एज्यूम करना चाहिए आपके पास दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो फाइनली ये कहीं ग्राउंड से कनेक्टेड होगा,
जिसकी रेस्पेक्ट में 10 वोल्ट बोल रहे हैं। सिमिलरली ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इट्स वैल्यू इज 5 वोल्ट। तो फाइनली ये भी किसी ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, जिस वजह से आपको ये बोला जा रहा है कि ये दिस वैल्यू इज -5। तो आप इसको कनेक्ट, ग्राउंड को आप कॉमन कर सकते हैं, तो आपके पास ये कंप्लीट सर्किट अब बन गया इस टाइप से। ये दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस इज 10 वोल्ट, इस टाइप से भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो कंप्लीट सर्किट आ गया, हो गया आपके पास। आपको V1 कैलकुलेट करना है, तो V1 इज वोल्टेज अक्रॉस 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस, एंड V2 इज वोल्टेज अक्रॉस 2.2 किलो ओम रेजिस्टेंस, और एक आपको V0 कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपके पास टास्क है। फाइनली अब हम ये चेक करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको डायोड करंट I कैलकुलेट करना था, आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इस KVL अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे तो सारी क्वांटिटी नोन है हमारे पास, सिर्फ I अननोन होगा, तो I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो जैसे नील ने बताया, तो V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, बिकॉज V2 इक्वल टू I इंटू 2.2 किलो ओम। सिमिलरली अगर V1 कैलकुलेट करना है, तो V1 इक्वल टू I इंटू 4.7 किलो ओम, V1 कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको नोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पर इस नोड पर वोल्टेज कितना है, -5। इस नोड पर वोल्टेज क्या है, V0, तो V0 -5 इक्वल टू V2, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ V2 इज एट V0 साइड। V0 -5 इक्वल टू V2, V2 आपका नोन है, तो यहाँ इस इक्वेशन से आपके पास V0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और हमने क्या अज्यूम किया, दिस सेकंड अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ड्यू टू गिवन इन क्वेश्चन सिलिकॉन डायोड, यूज अ सिलिकॉन डायोड। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आरू, आरू आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी? सर नहीं है डाउट। क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके ठीक है, तो ये जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस इस लेक्चर में दिए हैं, एक तो मैंने आपको एक आपके पास वो शेयर किया है, क्या असाइनमेंट शेयर किया है, और ये आपके पास एक और टास्क है, इसमें जो भी आपके पास अनसॉल्व क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं और सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ये भी एज एन असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इसमें जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं, और किसी को कोई इशू आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलो। सर जैसे अभी आपने असाइनमेंट शेयर किया, उसके अंदर भी सर अप्रोक्सीमेशन सर हमको एज्यूम करना पड़ेगा क्या सर? मैं एक बार देख लेता हूँ, आपके पास मैंने जो असाइनमेंट शेयर किया है मैं चेक कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मैंने आपको असाइनमेंट शेयर किया है, असाइनमेंट नंबर 4, ये असाइनमेंट मैंने आपको शेयर किया है। सिंपल से आपके क्वेश्चन है, देखो अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको डायोड अननोन है, आपको डायोड की वैल्यू गिवन नहीं है कि डायोड सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो आप ये देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। यस सर। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम गिवन होता तो आप यूज कर लेते। यस सर। और आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अननोन क्वांटिटी है और आपके पास रेजिस्टेंस भी गिवन नहीं है। यस सर। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इट मींस जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो एज अ शॉर्ट सर्किट, और डायोड ओपन हो रिवर्स बायस होगा तो एज एन ओपन सर्किट। ठीक है, यस सर। तो फाइनली इस क्वेश्चन को चेक करना, आप एक बार कंप्लीट करना, तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप से आपको गिवन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको सिलिकॉन गिवन है, तो लास्ट टू क्वेश्चन तो आपके सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से होंगे,
और फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपके होंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से। क्लियर ओके सर, है ना ये बेटा? तो इस यस टाइप से सर, आपको खुद से ही ट्राई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जनरली गिवन नहीं होता कि सब अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन बाय क्वेश्चन आपको खुद ही चेक करना पड़ता है कि सब अप्रोक्सीमेशन से हमें कंप्लीट करना है। किसी को और कोई डाउट? मैं ये सेकंड लेक्चर के, ये अभी लेक्चर के नोट्स भी एज एन असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ, उसमें अननोन अनसॉल्व क्वेश्चन जितने भी हैं आप सॉल्व करके उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? वो भी सबमिट करेंगे, राइट? ओके सर। सर प्रीवियस लेक्चर में सर आपने एक टास्क दिया था सर, उसका आंसर बता दो सर। प्रीवियस लेक्चर में किसमें टास्क दिया था मैंने? हाँ, एक टास्क दिया था, वो आपने, आप बताइए पहले। सर मुझे तो 1 लगता है सर उसका आंसर। आपका क्या, हमने प्रोबेबिलिटी पूछा था ना? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर इन द केस ऑफ मेटल्स। हाँ, तो मैं आपको एटली मैं आपको कंप्लीट उसका डेमो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट उस पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है? आप ओके एक बार सर, और सर्च कीजिए, कंप्लीट सर्च कीजिए अच्छे से, ठीक यस सर। है? आपका नील, आपका लास्ट टाइम तो आंसर आपने 0.5 दिया था। सर वो मेरे को पता नहीं था सेमीकंडक्टर और मेटल से केस में सेम होता है या सर, इसलिए मैंने फिर चेक किया था सर, तो 1 पता लगा सर। तो एक बार और आप थोड़ा सा रीजन देखिए, एनालिसिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? सर उसमें मेटल्स के केस में 100% प्रोबेबिलिटी होती, शायद इस वजह से 1 आंसर आएगा। आपने भी देखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है? लेकिन मैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट डिस्कशन करूँगा, ठीक है? आपने, ठीक है, सब चीज़ ठीक है पढ़ी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ मेटल आप कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को 1 कंसिडर कर रहे हैं। 100% मीन्स 1 प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप उसका आंसर 1 बोल रहे हैं, राइट? यस सर, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आपको डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। एक अटेंडेंस ले लेते हैं अभी। आरु, प्रेजेंट सर। अनुजा, सनी, यस सर, गौरव, कर्नेल, प्रेजेंट सर, मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर, रजनीश, प्रेजेंट सर, रंजीत, रंजीत, प्रेजेंट सर, विकास, ठीक है? आपको 6, यस, ठीक है, थैंक यू।